नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी दिनों से बच्चे जो टीजीटी पीजीटी को लेकर पूछ रहे हैं, सर इतने 7-8 महीने हो गए, कब होगा इसका एग्ज़ाम? कोई भी सूचना नहीं मिल रही है आयोग की वजह से। क्या मेन कारण है आपकी टीजीटी पीजीटी नहीं होने का? प्लस अभी जो यूपी टेट, ये सुनना में आ रहा था कि यूपी टेट आने वाली है, तो ये एकदम 100% सही है कि आपकी यूपी टेट आएगी। और कल जो था शिक्षक भर्ती को लेकर, नई जो शिक्षक भर्ती है 51,000, उसका धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो वो सुपर टेट कब आएगा? ठीक है, क्या वो सुपर टेट इसी साल आ जाएगा या अगले साल आएगा? तो एक पेपर कटिंग में जो आपको बताया जाएगा कि यहां पर कि क्या चल रहा है अभी, आयोग जो नया आयोग बना है शिक्षा आयोग, उसका गठन हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, और अगर होगा भी तो उसका मुख्यालय कहाँ होगा और उसका कार्य कब से स्टार्ट होगा? इन सब बातों को थोड़ा सा इसे देखिए, ये एक पेपर कटिंग आया है, इसमें यहां पर लिखा है नए आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार हैं। ठीक है, अभी जो ये शिक्षक भर्ती की बात किया जाए तो ये सुपर टेट की बात कर रहा है, लेकिन जो आपका टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे जो परेशान है कि सर जो है कब एग्जाम होगा, 7-8 महीने हो चुके हैं, अभी कितना समय लगेगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो उनका एग्जाम ना होने का पहला कारण तो ये है कि यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है क्या कि चयन बोर्ड के सदस्यों के सभी पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त पड़े हैं। मतलब जब ये वैकेंसी निकाली गई थी टीजीटी पीजीटी की, तो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से निकाली गई थी, अब ना सब कुछ हटा दिया गया है, अब शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एक नया बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो इस वजह से 10 पद रिक्त था और अभी तक उसके सदस्य नहीं भरे गए थे, जिस कारण आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं मिला था कि कब आपका एग्जाम होगा। और सुनने में अब यह भी आ रहा है कि भैया इसके जो अध्यक्ष साहब हैं, क्योंकि नया आयोग अब गठन होगा तो अध्यक्ष को रफा दफा, मतलब इनका भी कार्यकाल भी क्या हो रहा है, 8 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा मैं क्यों बात बोला हूं कि 8 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और जब ये आयोग ही खत्म हो जाएगा आपका, तो शिक्षा आयोग नया बनेगा, तो यहां पर ये 8 अप्रैल को खत्म हो जा रहे हैं। तभी इसीलिए टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी 7 माह से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सदस्य की नियुक्ति ना होने पर कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, अध्यक्ष के जाने के बाद यह स्थिति और बिगड़ जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि अब जब अध्यक्ष भी चले जाएंगे तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है, ऐसे माना जा रहा है कि अब टीजीटी पीजीटी भर्ती, नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, क्योंकि 8 तारीख को खत्म हो जाए, इनका अध्यक्ष साहब चले जाएंगे, और शिक्षा सेवा चयन आयोग हो सकता है 8 अप्रैल के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये कहना कि जब मैंने कहा था आपको कि यूपी टेट का एग्जाम, चाहे नोटिफिकेशन चाहे उस पर जो भी कार्य होगा, वो अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये निश्चिंत रहिए कि यूपी टेट वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चों, अपनी तैयारी और तेजी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट में आपको फिर समय नहीं मिलेगा। अगर ये अप्रैल में शिक्षा आयोग का गठन होता है, ठीक है, तो अप्रैल लास्ट के बाद, अगर अप्रैल लास्ट तक या मई 1st वीक तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जून जुलाई, जुलाई लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद से कहीं ना कहीं अगर सुपर टेट को देखा जाए तो सुपर टेट आपका अक्टूबर तक जा सकता है, कि अक्टूबर तक ये सुपर टेट करा ले। ठीक है, क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है और बड़ी भर्ती है, 51,000 भर्ती है, और 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो उसी पर यहां पर बोला गया प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, वही टीजीटी पीजीटी की बात की गई है। और फिर यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, 5 साल में कोई नई भर्ती नहीं हुई है, चर्चा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही यह भर्ती शुरू होगी, और जैसे ही आयोग बनेगा आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, वैसे ही सबसे पहला काम आपका यूपी टेट सुपर टेट कराना होगा, और इसका एग्जाम डेट, क्योंकि इसकी तो सब कुछ हो चुका है, और इसका एग्जाम कराना उसका प्रथम कार्य होगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है, कोई समस्या है, और एक बात मैं बता दे रहा हूं, जिनको भी यूपी टेट की तैयारी करनी है, ठीक है, तो परीक्षा प्लस द्वारा यूपी टेट का बैच निःशुल्क चलाया जा रहा है,
और ये बैच आपका परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे चलाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बैच आपका पूरा पूरा फ्री है, एक रुपये आपको नहीं देना है, ठीक है। और जिन बच्चे को इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए वो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, वहां पे आपको इससे रिलेटेड पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसे ही सुपर टेट का हमें कुछ नोटिस मिलता है तो उसका एक डेडिकेटेड बैच वो भी हम लोग यहां पर चलाएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या, कोई आपको परेशानी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी शिक्षा आयोग से रिलेटेड, मैं हम जरूर सामने आपके समक्ष आएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।